नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बीजेपी युवा मोर्चा के फेसबुक पेज पर अश्लील वीडियो पोस्ट की गई। पेज बनाने वाले कार्यकर्ता को लेकर के जिला प्रधान तक सकते में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट फतेहाबाद। जी हां, बीजेपी युवा मोर्चा के फेसबुक पेज पर अश्लील वीडियो पोस्ट की गई। पेज बनाने वाले कार्यकर्ता को लेकर के जिला प्रधान तक सकते में आ चुके हैं। बीजेपी के फतेहाबाद जिला प्रधान बोले कि युवा मोर्चा के जिस कार्यकर्ता ने ये पेज बनाया है उसकी जानकारी ले ली गई है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस शिकायत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं फेसबुक पर जिस पार्टी युवा मोर्चा फतेहाबाद के पेज बनाने वाले कार्यकर्ता ने कहा कि मेरी जानकारी में मामला आने पर वीडियो को हटा दिया गया है। जिस व्यक्ति ने अश्लील वीडियो पोस्ट किया है उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है। इसके अलावा फेसबुक को भी रिपोर्ट की गई है। पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए निजी तौर पर बनाया गया था पेज। सोशल मीडिया जहां लोगों के लिए वरदान है, तो वहीं गलत हाथों में जाने के बाद ये अभिशाप भी बन सकता है। दरअसल सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक पर बीजेपी युवा फतेहाबाद हरियाणा के नाम से बने एक फेसबुक पेज पर अश्लील वीडियो पोस्ट किया गया, जिसका मामला अभी अभी सामने आया। अश्लील वीडियो पोस्ट होने के बाद फतेहाबाद के बीजेपी युवा मोर्चा का राज फेसबुक पेज एक्टिव करने वाले भाजपा कार्यकर्ता विकास नागर से लेकर के पार्टी जिला अध्यक्ष वेद फूला तक सख्ते में आ गए। मामला संज्ञान में आने के तुरंत बाद जिला प्रधान वेद फूला ने भाजपा युवा कार्यकर्ता के इस बारे में जानकारी ली गई और तुरंत मामले को पुलिस में शिकायत देने की तथा कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया। जिला प्रधान ने कहा कि मीडिया के माध्यम से उसने मामला संज्ञान में लाया जाए और फेसबुक पर पार्टी के युवा मोर्चा के इस पेज में जो जानकारी मिली है उसे किसी भी हालत में उस पोस्ट को हटाया जाए और पुलिस को इसकी शिकायत दी जाए। उन्होंने कहा कि फेसबुक के इस पेज में ये वीडियो अपलोड करके कार्यकर्ताओं तथा बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भाजपा युवा कार्यकर्ता द्वारा पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए यह पेज बनाया गया था। ऐसे में पार्टी की छवि खराब करने के मकसद से इस पर वीडियो पोस्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी युवा फतेहाबाद हरियाणा के नाम से फेसबुक पर भाजपा पार्टी के पेज बनाने वाले भाजपा युवा कार्यकर्ता विकास नागर ने बताया कि उन्होंने पार्टी प्रचार और प्रसार के लिए ये फेसबुक बनाया हुआ है, लेकिन इस पर पेज पर ग्रुप में शामिल किसी व्यक्ति ने अश्लील पोस्ट कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस को इस मामले में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। वहीं अश्लील वीडियो पोस्ट करने वाले इस शख्स को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक करके फेसबुक को रिपोर्ट कर दी गई है। विकास नागर ने बताया कि फेसबुक पेज पर इस तरह का वीडियो पोस्ट करने के लिए भाजपा पार्टी और उनसे बदनाम तथा उसे कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की एक साजिश है, इसलिए पुलिस को शिकायत करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। ऐसा है, मैं जो पेज बना हुआ है बीजेपी युवा मोर्चा फतेहाबाद, वो जानकारी मुझे मीडिया के थ्रू हासिल हुई है और इसके लिए मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। एक एप्लीकेशन बाकायदा FIR लॉन्च की जाएगी इस शख्स के खिलाफ और SP साहब से बातचीत की जाएगी। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर युवा मोर्चा के लिए काम कर रहा हूँ, ना कि पदाधिकारी के तौर पर। तो प्रचार प्रसार के लिए बनाया था आपने? प्रचार प्रसार के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार उसके भाजपा पार्टी का। तो ये जो पोस्ट डालेंगे इसको डिलीट कर दिया गया? बिल्कुल, इसको डिलीट कर दिया गया और फेसबुक के थ्रू इसके ऊपर जांच की जाएगी, इसको ब्लॉक किया जाएगा और जितने मुमकिन हो उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का कोई पेज नहीं है, अकेले युवा मोर्चे का ही नहीं, जिला स्तर पे हमने किसी भी तरीके का कोई आधिकारिक पेज नहीं बनाया हुआ है। कई बार कई कार्यकर्ता जो है अपनी मर्जी से इस तरीके का नाम लिख करके पेज बना लेते हैं, जिसमें यह आपने बताया कि विकास नागर नाम का एक साथी है जिसने युवा मोर्चे का बनाया हुआ है। विकास जी मोर्चे में काम कर रहे हैं ये भी मुझे कोई जानकारी नहीं, इस विषय की कोई पदाधिकारी हैं या नहीं, और वो जो उन्होंने पेज बनाया हुआ भी है जैसे आपने जानकारी मुझे दी है, तो ये पार्टी का कोई पेज नहीं, उनका पर्सनल पेज है। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के बाद में मैंने विकास नागर से बात इस विषय में की है। उनकी विकास जी पार्टी के लिए माननीय मोदी जी और मनोहर जी की उसमें योजनाओं के हिसाब से उनसे प्रभावित होकर के पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि किसी आदमी ने उनके पेज पर कोई गलत अश्लील वीडियो पोस्ट की है, तो वो उन्होंने उसको ये रिपोर्ट अभी पुलिस में दे करके जिस भी आदमी ने की है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे।